आप लोग अभी तो ऑफिस के लिए वैसे लेट हो रहा हूँ, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीनेशनल में काम करने का फायदा ये है कि भाई तुम किसी भी टाइम पे जाओ, कोई तुम्हें बोलने वाला नहीं है। हाँ, बट ये है कि तुम्हें 9 घंटे कंप्लीट करके जाने हैं। चाहे तुम 9 बजे जा रहे हो तो 9 बजे से 9 घंटे 9 आवर्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद तुम घर चले जाओ। और आज तो ऐसे लेट उठा था क्योंकि रात में बहुत देर सोया था, काम बहुत ज़्यादा था कल। तो आज हम लोग लगता है कि साथ में ही जाना पड़ेगा और कंपनी हमारी नज़दीक ही दिख रही है। बिल्कुल पुरवाना मतलब इंटरनेशनल कंपनी है, क्या ही बताएं इस कंपनी के बारे में। सारे मजदूर यहीं मिलेंगे आपको। अरे नहीं, 5,000 से 18,000 की जॉब वाले सारे मजदूर यहीं मिलेंगे आपको, पुरवाना में आइएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मजाक सर, दिखाई दे रहा है। अच्छा एक बात बताओ, पुरवाना में काम करके कैसा लगता है तुम्हें? मतलब काम ज़्यादा हार्ड लगता है या सिंपल लगता है? इससे अच्छा मेरे को, टू बी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इससे अच्छा मुझे कोई सीमेंट सरिया का काम दे दे, मैं तसला उठा करके पूरे दिन भर वो काम कर लूँगा, तो उससे ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। तो देखो, आपको दो चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी MNC कंपनी में जॉब करने के लिए। सबसे पहले आपकी स्पोकन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी नहीं बट एटलीस्ट इतना कि कम से कम समझ जाओ, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे इंग्लिश में बात करते हो और सारे सिस्टम पे वर्क भी इंग्लिश में रहता है, तो इंग्लिश तो मैंडेटरी है भाई। और दूसरी चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंट्स में आपको ग्रेजुएशन मैंडेट है, अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो फिर MNC में जॉब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, किसी किसी MNC में ले लेते हैं 12 पे, बट हमारे वाले में तो ग्रेजुएशन मैंडेट है। पता है मैं जब मैं गया सर, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ का खाना कैसा लगा? इतना सोच रहे हो? एक ही बार खाया भाई अभी तो। एक ही बार खाया ना? नाइट शिफ्ट लगेगी ना। कैसा लगा भाई अभिषेक खाना? लगा ही नहीं, खाया नहीं। इन दोनों से पूछते हैं, रीति का बताना। बहुत व्हाट हैपेंड? खाना सही लगा ना?